छात्रों स्वागत है। मैं दीपक बाबू, सहायक अध्यापक मोनालाल इंटर कॉलेज बजीगंज चंद्रपुर। ये छात्रों आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी काकखंड में सुदेश प्रेम पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित भाग है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, उसकी हम सुदेश प्रेम कविता की व्याख्या करेंगे। तो प्रिय छात्रों हम प्रारंभ करते हैं सुदेश प्रेम कविता की व्याख्या। प्रिय छात्रों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष द्वारकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत ताड़ागर। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगढ़ छे। तो प्रिय छात्रों प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता सुदेश प्रेम से लिया गया है। तो ये छात्रों प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हमारे पूर्वजों हमारे देशभक्तों की महिमा का उनकी गरिमा का उनके गौरव को अतीत कर वर्णन किया है, उनकी झांकी प्रस्तुत की है। तो ये छात्रों हम इसकी व्याख्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष, अतुलनीय जिसकी तुलना नहीं की जा सके ऐसे प्रताप का ऐसे पराक्रम का साक्षी है गवाह है सबूत है प्रत्यक्ष दिवाकर स्वयं सूर्य। दिवाकर सूर्य स्वयं दिवाकर ऐसे प्रताप का ऐसे पराक्रम का गवाह है सबूत है साक्षी है। घूम घूम कर देख चुका है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और सारे संसार में हमारे पूर्वजों की स्वच्छ कीर्ति यश को घूम घूम कर सारे संसार में विचरण कर कर देख चुका है कौन निशाकर चंद्रमा। देख चुके हैं जिनका वैभव, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारा, देख चुके हैं हमारे पूर्वजों का हमारे देशभक्तों का वैभव ऐश्वर्य ये नभ के ये आकाश के तारागण तारागण तारों के समूह उनकी चमक को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी जिनका विजय घोष रणवर्धन, यानी कि अगणित जिसकी कोई गिनती ना हो कई बार सुन चुका है नभ आकाश जिनका विजय घोष रणवर्धन जिनका विजय ध्वनि जिनकी विजय ध्वनि और युद्ध का गर्जन कई बार सुन चुका है। उसी प्रकार कवि का कहने का आशय यह है कि हमें भी अपने पूर्वजों की तरह समान व्यवहार करना चाहिए जिससे हम भी हमारा भी यश इस संसार में फैले हमारे पूर्वजों की तरह। तो कवि प्रस्तुत पद्यांश में हमें प्रेरणा देता है हमें संदेश देता है कि हमें अपने पूर्वजों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे देखिए, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, कवि आगे कहता है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, हमारे भारत देश का मस्तक सुशोभित है हिमालय रूपी सर्वोच्च चोटी से, हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से। ऐसे देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं कि गूंज रही है सकल दिशाएं, गूंज रही है सकल दिशाएं, गूंज रही है यानी ध्वनि हो रही है सभी दिशाओं में संपूर्ण दिशाओं में जिनके जय गीतों से अब तक, यानी कि हमारे पूर्वजों के जय गीतों से जय गान से सभी दिशाएं संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं और उनका यश गान कर रही हैं। जिनकी महिमा का है अवरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, और जिनकी महिमा का है अवरल निरंतर साक्षी गवाह सबूत सत्य रूप हिमगिरिवर, सत्य रूप वाला हिमालय
शत्रु वाले वन पौधे जिनके जो हमारे भारत देश के सत्यता का बोध करा रहे हैं। हिमालय पर्वत और यहाँ के वन पेड़ पौधे हमारे देश की सत्यता का बोध करा रहे हैं। उत्तराखंड के विमानतल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर और इस भारत देश की मातृभूमि पर जन्मभूमि पर उत्तराखंड के विमानतल यानी कि विमान दल जहाज जिसके विस्तृत यानी बड़े फैले हुए वक्ष स्थल पर वक्ष यानी सीने पर छाती पर उतरा करते थे और इस देश की महिमा का इस देश की विशेषता का देखते थे वर्णन करते थे। आगे देखिए भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से विदेशी यहाँ विमानतल के माध्यम से आते थे और हमारे भारत देश की कीर्ति का भारत देश की यश का संपूर्ण संसार में प्रशंसा करते थे, इसकी विशेषता का वर्णन करते थे। सागर निज छाती पर जिनके आग्रित आग्रम पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के शिखर पटों पर नदियां जिसकी धारा सी बहती हैं अब विघ्न शिलासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओ गए तुम इनके तट पर। यानी कि कवि का कहने का अर्थ यह है कि सागर ने छाती पर जिनके आग्रत अड्रम को उठाकर सागर भी हमारे देश के पूर्वजों की देशभक्तों की सेवा में लीन रहता था और अपनी निज छाती पर अपनी स्वयं की छाती पर उनके आग्रत जिनकी कोई गिनती ना हो अड्रम को समुद्री जहाजों को उठाकर ढोकर पहुंचाया करता था प्रमुदित खुशी प्रसन्नता पूर्वक भूमंडल के शिखर पर भूमंडल यानी संसार के धरा के सकल संपूर्ण तटों पर किनारों पर नदियां जिसकी इस धारा से बहती हैं अभी निश्वासर और हमारे भारत देश की नदियां रात और दिन यश धारा के समान बह रही हैं और बहती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं कि वह हमारे पूर्वजों की हमारे देशभक्तों की यशोगान को गा रही हैं यश का वर्णन कर रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओ कोई तुम इनके तट पर। अगर मन से हे मनुष्य अगर मन से अपने पूर्वजों के अपने वंशजों के अपने देशभक्तों के पद चिन्हों को अगर तुम ढूंढोगे तो इन नदियों के किनारे इन समुद्रों के किनारे आप इसे पाओगे आप इसे खोज लोगे। कहने का आशय कवि का यह है कि आप अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलोगे अपने पूर्वजों के समान व्यवहार करोगे तो उनके ही तरह आप भी संसार में यश को प्राप्त होगे कीर्ति को प्राप्त होगे। आगे देखिए विस्तृत रेखा का वासी जो जीता है नितहा भाव कर विस्तृत रेखा का वासी जो जीता है नितहा भाव कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम्मे तमे जी लेता है हप हप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण उछावा। तो विस्तृत पद्यांश में कवि ने अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाया है और देशवासियों को प्रेरणा का संदेश दिया है। क्या दिया है आगे देखिए विस्तृत रेखा का वासी जो जीता है नितहा भाव कर कवि का कहने का अर्थ यह है कि विस्तृत रेखा भूवध रेखा में रहने वाला वहां पर निवास करने वाला भी मनुष्य नित्य जीता है हाव भाव कर वहां गर्मी की असहनीयता के कारण वहां गर्मी इतनी अधिक पड़ती है उसके कारण वहां पर बड़ी कठिनाइयों से हाव भाव कर अपना जीवन व्यतीत करता है लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़ने की बात अपने दिल में अपने हृदय में नहीं लाता वो वहीं पर रहना पसंद करता है। आगे देखिए रखता है अनुराग अलौकिक और वह अपनी मातृभूमि पर से प्रेम अलौकिक संसार से परे दिव्य से परे प्रेम रखता है अपनी मातृभूमि के प्रति। ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है काप काप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण उछावा। इसके विपरीत ध्रुववासी ध्रुव प्रदेश में रहने वाला मनुष्य भी हिम में वज्र में तम अंधकार में जी लेता है काप काप कर वहां पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ध्रुव क्षेत्रों में इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि कोहरे और धुंध के कारण
कोहरे और धुंध के कारण वहां दिन और रात का पता ही नहीं चलता, लेकिन इतने पर भी वो सारी कठिनाइयों को सहते हुए अपनी मातृभूमि पर रहना पसंद करता है, अपनी मातृभूमि को त्यागना पसंद नहीं करता है और अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण को नौछावर कर देता है, अपने आप को आत्म बलिदान कर देता है, अपना त्याग कर देता है उसकी रक्षा के लिए, शत्रुओं से उसे बचाने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग कर देता है। ऐसा होता है हमारे देश का देशप्रेमी, ऐसा होता है हमारे भारत देश का जन्म लेने वाला, जो अपनी मातृभूमि के प्रति और अपने जन्मभूमि के प्रति अलौकिक अनुराग रखता है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ कवि ने भी हमें भी अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति अनुराग रखने की प्रेरणा दी है। आगे देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर धरा श्रोमणी मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तल लेते कैसे तल दोगे उसको हे वीरों के वंशज। यानी कि कवि ने आगे क्या कहा है, प्रिय छात्रों ध्यान को सुने। कवि कहना चाहता है, पंडित जी रामनरेंद्र त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं, हमें प्रेरणा देना चाहते हैं कि तुम तो हे प्रिय, कि हे प्रिय बंधु, हे प्रिय भाई, तुम तो स्वर्ग सी, स्वर्ग के समान सुखद सुख प्रदान करने वाली सकल संपूर्ण विभवों की आकार, संपूर्ण सुखों की खान, जैसी पृथ्वी पर धरा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, जो सारे संसार में सभी धराओं में सभी धरा खंडों में सरोमणी है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी मातृभूमि पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारा जीवन जिसे पाकर तुम धन्य हो गए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हे वीरों के वंशज, तुम अपनी पृथ्वी को, अपनी धरा को कैसे त्याग दोगे, तुम तो धन्य हो कि तुम सभी संसार में जितने भी धरा खंड है उनमें सर्वश्रेष्ठ धरा खंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, उसके अन्न को, उसकी जल को ग्रहण कर रहे हो और उसकी मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, तो तुम बड़े हुए हो तो तुम ऐसी धरा को, ऐसी धरा जो हमारे संसार में सरोमणी कहलाती है, धरा सरोमणी कहलाती है, ऐसे संसार की धरा को आप कैसे त्याग सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, तर रहते कैसे तर दोगे उसके ही वीरों के वंशज। तो शरीर को रहते हुए, तन को रहते हुए ऐसे पृथ्वी को आप कैसे त्याग दोगे, ऐसी पृथ्वी को आपको त्यागना नहीं चाहिए और ऐसी मातृभूमि से, ऐसी जन्मभूमि से हमें प्रेम करना चाहिए। आगे देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मान, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है सब पूंजे, दीन वचन मुख से न उचारो मान नहीं मृत्यु का भय। तो पुस्तक पद्यांश में कवि हमें यह समझाना चाह रहा है कि हमें अपने देश के प्रति स्वाभिमान रखना चाहिए, अपने देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए, अपने देश के लिए अपना मान, अपनी आन को सदा जिंदा रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं आगे देखिए कवि, जब तक साथ एक भी दम, जब तक आपके साथ नेक भी दम बचाओ, नेक भी शक्ति बची हो, अवशिष्ट एक भी धड़कन हो और अवशिष्ट शेष बची हुई एक भी धड़कन जब तक धड़क रही है आपके सीने में, आपके हृदय में, तब तक रखो आत्मगौरव, अपना आत्मगौरव, अपनी आत्मगरिमा को रखो और ऊंची पलके ऊंचा से ऊंचा, और अपने पलकों को कभी झुकने मत दो किसी के भय के कारण, किसी दबाव के कारण, ना अपने सिर को झुकने दो और ना अपने मन को मरने दो। एक बूंद भी रक्त शेष हो और एक बूंद भी खून की आपके शरीर में शेष रह जाए, तब तक मन में, अपने मन में हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले देशवासियों, दीन वचन मुख से न उचारो, दीन वचन दुखी वचनों को किसी के सामने मत कहो, मत उचारो, मत बोलो, अपने मन को दुखी मत करो, अपने मन को सदैव ऊंचा रखो, अपना मान, अपना स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रखो।
और अपने सिर को कभी किसी के सामने मत झुकने दो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और कभी आगे ये कहना चाहता है कि मृत्यु का भी भय नहीं मानो, मृत्यु से भी निडर रहो। मृत्यु से निडर इसलिए रहो, मृत्यु का भय इसलिए मत मानो, क्योंकि मृत्यु एक बार आती है, मृत्यु आने के बाद हमें दोबारा पुनः नया जीवन मिलता है, नया शरीर मिलता है। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, तो मृत्यु से कभी घबराए नहीं, मृत्यु से कभी डरे नहीं। आगे देखो कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी ये कहना चाहते हैं अगली पंक्तियों में, निर्भय स्वागत करो। प्यारे छात्रों ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संभव। मृत्यु एक सत्ता है, मृत्यु एक सत्ता है जिसमें श्रम से कातर जीवना फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाग। प्यारे छात्रों कवि के कहने का आशय यह है कि मृत्यु से डरे नहीं, मृत्यु का भय नहीं माने। क्या कह रहे हैं कवि, ध्यानपूर्वक सुनिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय बिना डर के स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु को सहर्ष रूप से स्वीकार करो, प्रसन्न मन से खुशी मन से स्वीकार करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु क्या है, एक विश्राम स्थल है, आराम करने का स्थल है। क्योंकि जहां जब जीव जब प्राणी इस संसार में अपने कर्म को करते हुए थक जाता है, तब वो विश्राम स्थल पाने के लिए मृत्यु का वरण, मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करता है। इसलिए मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु से डर मत, मृत्यु से पीछे मत हटो, और मृत्यु से डर कर अपने कर्म क्षेत्र में कभी पीछे मत हटो, अपने कर्म क्षेत्र में पुनित कर्तव्य करते रहना चाहिए। जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, और जीव मृत्यु को प्राप्त करकर, प्राणी मृत्यु को प्राप्त करकर नव जीवन का आधार को प्राप्त करकर पुनः जन्म लेकर फिर अपना जीवन यात्रा प्रारंभ करता है। आगे देखिए, मृत्यु एक सत्ता है, मृत्यु एक नदी के समान है जो निरंतर बहती जा रही है, और इसमें प्राणी इसमें जीव अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर रहे हैं और अपनी जीवन यात्रा को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से यानी परिश्रम से दुख से जीव नहाकर, कातर जीव माने दुखी जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, फिर अपना नया शरीर धारण करता है और अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, पुराने शरीर रूपी वस्त्रों को त्याग कर नए शरीर रूपी वस्त्रों को धारण कर नूतन जीवन को धारण करता है, नए जीवन को प्रारंभ करता है। काय रूपी वस्त्र धारण और अपने शरीर रूपी वस्त्रों को, पुराने थके हुए वस्त्रों को इस नदी में, मृत्यु एक सत्ता है तो इस मृत्यु सत्ता नदी में से बहा देता है और अपनी जीवन यात्रा को पुनः अपने सच्चे मन से प्रारंभ करता है। तो कभी भी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें भी कभी मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए, मृत्यु का हमें स्वागत करना चाहिए खुशी मन से, प्रसन्न मन से स्वीकार करना चाहिए, उसका वरण करना चाहिए। आगे देखिए, सच्चा प्रेम वही है, प्यारे छात्रों सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्कार प्रेम है, त्याग बिना निष्कार प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण उछावर, देश प्रेम भय पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो प्रस्तुत अध्यांश में कवि ने हमें सच्चे प्रेम करने की प्रेरणा दी है, सच्चे प्रेम करने की प्रेरणा दी है और आत्म बलिदान की प्रेरणा दी है, और देश पर सब कुछ नौछावर करने की प्रेरणा हमारे देशवासियों को, हमारे देश प्रेमियों को, हमारे देशभक्तों को दी है। देखिए किस प्रकार दी है, सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर। सच्चा प्रेम कभी ये कहना चाहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी संतोष, जिसका संतोष आत्मबलि पर होने में, स्वयं के बलिदान पर, स्वयं के त्याग पर ही टिका हुआ हो, उसी पर निर्भर हो, वही सच्चा प्रेम है।
बाकी तो सब झूठे प्रेम है। त्याग बिना निष्पाप प्रेम है। और कवि ये कहना चाहता है कि त्याग के बिना, बलिदान के बिना प्रेम कैसा है? बलहीन, प्राणहीन, निष्प्राण है। उसका कोई भी महत्व नहीं है ऐसे प्राण का जो त्याग के बिना है, आत्म बलिदान के बिना है। करो प्रेम पर प्राण नौछावर, हे देशवासियों, अपने आत्म बलिदान के द्वारा अपना प्रेम पे, अपने प्रेम पर प्राण नौछावर कर दो, अपने जान को नौछावर कर दो, अपने देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी जन्मभूमि की रक्षा के लिए। आगे देखिए, देश प्रेम है पुण्य क्षेत्र है। कवि कहना चाहता कि देश प्रेम ऐसा पुण्य स्थल है, पुण्य क्षेत्र है, पुनीत क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से, अमल जो स्वच्छ है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित है, और त्याग से विकसित, और त्याग से खिला हुआ है। जिस प्रकार फूल खिल जाता है अपनी प्रसन्नता से, उसी प्रकार मनुष्य का पुण्य क्षेत्र देश प्रेम वही है जो स्वच्छ हो और असीम हो, सीमा रहित हो, और त्याग से खिला हुआ हो, आत्म बलिदान से खिला हुआ हो। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और आत्मा के आत्म बलिदान करने से, आत्म बलिदान करने से मनुष्यता, मनुष्य की मनुष्यता क्या होती है? विकसित होती है, खिल जाती है। तो कभी भी हमें यही संदेश, यही प्रेरणा देना चाह रहा है, दे रहा है कि हमें भी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम रखना चाहिए, अपनी मातृभूमि के प्रति अनुराग, अलौकिक अनुराग, दिव्य अनुराग रखना चाहिए। आगे देखिए प्यारे छात्रों, तो सुदेश प्रेम, मैं आशा करता हूँ कि विषय हिंदी उपसे काव्य खंड, यानी कि पद्य खंड पाठ था आपका सुदेश प्रेम, जिसके रचयिता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी थे। तो हमने राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता सुदेश प्रेम की जो व्याख्या की थी, आपको व्याख्या समझाई थी, वो अतुलनीय से लेकर विकसित तक, यानी कि समझाई थी। और इसके माध्यम से कवि ने, इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने देश के प्रति अनुराग रखने की प्रेरणा दी, अपने देश स्वदेश प्रेम की प्रेरणा दी है कि सभी मनुष्यों को, सभी देशवासियों को अपने पूर्वजों से अपने वंशजों से शिक्षा प्राप्त करते हुए, उनके समान व्यवहार करते हुए देश की रक्षा करनी चाहिए, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? साहित्यिक खड़ी बोली का। और प्रस्तुत पद्यांश का रस वीर रस है। प्रस्तुत पद्यांश का रस कौन सा है? वीर रस। शैली का प्रयोग किया है, उद्बोधन शैली और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। कवि ने उद्बोधन शैली और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद्यांशों में मात्र छंद का भी प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांशों में प्रिय छात्रों के छंद का प्रयोग किया गया है, मात्र छंद का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की कक्षा में पंडित राम नरेश त्रिपाठी की जो प्रस्तुत कविता हमारे कक्षा 10 में दी गई है, सुदेश प्रेम, वो आपको अच्छी लगी होगी। और आपसे मैं आशा ये भी करता हूँ कि आप इस कविता का स्वाध्ययन अपने घर पर करें और इससे, इस कविता के माध्यम से प्रेरणा लें। क्या प्रेरणा लें? कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है कि हमें भी कैसे भी जीवन व्यतीत करें, अपने क्षेत्र में, अपनी जन्मभूमि पर, अपनी मातृभूमि पर, लेकिन हमें कठिनाइयों से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, हमें कठिनाइयों का डट के सामना करना चाहिए और अपना मान, अपनी पलकों को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का अतुलनीय योगदान है जिसकी जिससे किसी की तुलना हम नहीं कर सकते। तो उनके मान को रखते हुए हमें भी उनके रास्तों पर, उनके व्यवहार पर चलना चाहिए और उन्हीं की तरह सारे संसार में अपनी यश को, अपनी कीर्ति को, अपने वैभव को फैलाना चाहिए, जिस प्रकार हमारे पूरे संसार में हमारे पूर्वजों की, हमारे देशभक्तों की
कीर्ति फैली हुई है और उसकी कीर्ति का ध्यान उनकी कीर्ति का ध्यान स्वयं समुद्र आकाश नभ तारे नदियां उनका यशोगान करके कर रही हैं उनकी प्रशंसा में अपने आप को लहरा रही हैं नदियां। तो उसी प्रकार हमें भी उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने देश भारत देश से अपनी मातृभूमि से प्रेम करते रहना चाहिए। तो प्यारे छात्रों अगली कक्षा में हम इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। मैं प्यारे छात्रों सुदेश प्रेम कविता के माध्यम से मेरा यही संदेश है आपका अंतिम लाइन में मेरा यही संदेश है कि आप इस कविता से शिक्षा प्राप्त कीजिए अपने देश के प्रति अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम करना सीखिए और त्याग करना सीखिए बलिदान करना सीखिए क्योंकि बलिदान करने से ही अपनी आत्मा का बलिदान करने से ही उसका समर्पण करने से ही हमारी आत्मा विकसित होती है। और जब हमारी आत्मा विकसित हो जाती है तो हमारे मनुष्य का हमारा मनुष्यता का विकास होता है और जब वो विकास होता है फूल की तरह खिल जाते हैं और फूल की तरह जब खिल जाते हैं जब विकसित हो जाते हैं तो हमारे संसार में कीर्ति यश वैभव फैल जाता है। तो मैं भी आपसे यही आशा करूंगा कि आप भी इससे प्रेरणा प्राप्त करें इससे शिक्षा प्राप्त करें और अपने पूर्वजों की तरह अपना जीवन व्यतीत करें अपने जीवन को अपने स्वाभिमान को कभी मरने कभी मिटने ना दें किसी भी डर से किसी भी भय से किसी भी परेशानी से किसी भी दुख से और अपने दुख को और दुख आ भी जाए तो अपने दुख को अपने दीन वचनों को किसी के सामने मत खोलो उन्हें मत उचारो उसका सामना करो उसका सामना करके आगे बढ़ो और अपने देश की तरक्की करो अपने मातृभूमि का नाम ऊंचा करो सारे संसार में जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने किया हमारे वंशों ने किया हमारे वंशजों ने किया हमारे देशभक्तों ने किया और इस देश को आजाद कराया इस देश की कीर्ति को इस देश के शौर्य को इस देश के पराक्रम को सारे संसार में फैलाया और उसकी विजय पताका को लहरा दिया। तो प्यारे छात्रों आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।